बेटा विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे घर वाले जब विश्वास के साथ भेजें तो उस विश्वास पर फिर खरे उतरना चाहिए। अपना जीवन साथी अपनी मर्जी से चुनो मना ही नहीं है, नहीं ये गलत है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां गलत कामों में जब लिप्त पाई जाती हैं तो भाई को भी बुरा लगता है, बाप को भी और माँ को भी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। किसी भी चीज़ में आज़ादी का मतलब ऐसा नहीं होता कि भैया समाज के लड़कों को ये हक है तो हमें भी। ठीक है, मैं तो लड़कों के भी खिलाफ हूँ, गलत काम कोई भी लड़का, चाहे वो मेरे भाई के रूप में, मेरे अपना, मेरे पास बेटा बेटी दोनों है, इसीलिए कह रही हूँ ना, लड़कों को गलत चीज़ की तरफ जाना चाहिए ना लड़कियों को। और जब विश्वास करके बेटा घर वाले तुम्हें कॉलेज के बाद या स्कूल के बाद कहीं बाहर भेजते हैं तो ये सोच के चला करो कि तुम सिर्फ उनका विश्वास लेके नहीं चल रही हो, तुम समाज में जितने लोग तुम्हें देखते हैं ना उन सबका विश्वास भी लेके चल रही हो। एक लड़की के गलत चलने से, गलत कोई भी स्टेप लेने से उस पूरी गली में जितनी लड़कियां रहती हैं ना उनको ताने सुनने पड़ते हैं उस एक की गलती के, कि फलां की लड़की गई थी, इसकी बहन गई थी और उसने ये काम किया। जैसे इन चीज़ों को समझना चाहिए। मैच्योरिटी का मतलब यही होता है कि अपने सही गलत को हम समझ पाएं। पढ़ो लिखो, आज़ादी लो, बराबरी की डिमांड करो, लेकिन बराबरी सही कामों में। गलत काम पे कि फलां का बेटा सिगरेट पीता तो हम लड़कियां का कम है, हम भी सिगरेट पियेंगे, ये कोई तरीका नहीं बेटा, ये कोई क्वालिटी नहीं है। अपने चरित्र को अच्छा रखो, कोई उंगली ना उठा पाए तुम्हारे ऊपर इस तरीके से। और एक और बात बेटा, जब तुम यंग हो ना तुम अभी नहीं जानते, लाइफ बहुत लंबी है, पता नहीं किस मोड़ पे कहां कौन टकराएगा। तुम अगर आज किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो, लड़कियां खासकर, कोई भी, ये मेरा मैसेज सबके लिए, पता नहीं कहां तक ये बात जाएगी बेटा, 20 साल बाद 10 साल बाद तुम सोशल साइट पे कभी एक्टिव होगी तो कोई भी तुम्हारे पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा, फिर तुम्हें फील होगा कि यार हमने ये गलत किया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कोई गलती नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में जाके कोई हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए। आप सिर्फ आप नहीं हो, आपके पीछे आपके भाई की, आपके बाप की, आपकी माँ की, सबकी इज्जत भी है, तो उसका ध्यान सबको रखना चाहिए। और ये लड़कों के लिए भी है बेटा, जब घर वाले यहाँ तक भेज रहे हैं ना तो नशे की तरफ, गंदगी की तरफ मत जाना। बहुत अट्रैक्टिव है ये चीज़ें तुम्हारी एज में। गंदगी की तरफ एक बार गए ना तुम कितने ही तेज दिमाग हो वापस लौट के आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गंदगी एक दलदल है, दलदल में आदमी एक बार घुस गया ना तो निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत विल पावर चाहिए। तो पहले ही स्टेज पे सोचो कि मुझे गलत रास्ता नहीं पकड़ना, अपनी जिंदगी अच्छी बनानी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स की हर बात माननी है, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जनरेशन गैप था, है और रहेगा, ये हमेशा रहेगा। गलत चीज के लिए अगर पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं तो पेरेंट्स के सामने भी अपनी बात पर तर्क के साथ ये भाई अडिग रहना कि नहीं मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, आपकी ये बात गलत है, चाहे वो बाप हो, भाई हो या माँ हो, लेकिन आपके पास तर्क ठीक होना चाहिए।